वहीं दिल्ली में ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज कर दी गई है। कामकाज में गड़बड़ी का इल्जाम लगाने वाली अर्जी खारिज हुई है। कोर्ट ने अर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर आखिर कितनी अर्जियां दाखिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में गड़बड़ी का इल्जाम लगाने वाली अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर आखिर कितनी अर्जियां दाखिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर डाली गई अर्जी खारिज कर दी है। कामकाज में गड़बड़ी का इल्जाम लगाने वाली अर्जी पर इसे खारिज किया गया है और कोर्ट ने अर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर आखिर कितनी अर्जियां दाखिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज में गड़बड़ी का इल्जाम लगाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया।